अगर कोई ये कहे कि यार घर में ही तो रहते हो, क्या तुम्हारे पास काम है? हो वाइफ हो सिस्टर हो, कोई भी अगर किसी के लिए इतना कर रहे हो तो बस उन्हें क्या चाहिए होता है कि आप घर आओ तो दो शब्द बात करो ना कि मोबाइल। जिस हिसाब से बादल दिख रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जलेबी खाई की? खाई की जलेबी? किंडर जॉय में कार मिली बेटू को, है ना? और मामा बेटू कहाँ जा रहे हैं? घूमी घूमी करके आ रहे हैं ना मार्केट। ये देखो बेटू का फैलाया हुआ सारा रायता। पैर से बेटा नहीं खेलना था ना? ये सारे रायते अभी समेटने हैं। गुनगुन मेरी नहा रही है ना? जल्दी नहाओ। वो नहा रही है, फिर सारे काम स्टार्ट करूंगी मैं। और मौसम का तो समझ नहीं आ रहा है, कभी गर्मी कभी बादल, कभी गर्मी कभी बादल। अच्छा बॉडी वॉश लेना है, ओके आ रही हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी अचानक से बादल, फिर अचानक से हवा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि गर्मी हो रही है या बादल घिरा हुआ है तो बारिश होगी। ये देखो शीशे में मैं, और अभी ये शीशे भी साफ़ करने बहुत गंदे हो गए, डेली साफ़ करती हूँ। फिर वो फेस वॉश या पानी छिट पानी के छींटे आते हैं बट फिर से गंदे हो जाते हैं। नहाओ जल्दी नहाओ, चलना है कि नहीं घूमने? तो काम में लगते हैं और फिर मिलते हैं। बाय बाय। काजल दे दो बेटू, काजल। अब बेटू को क्या लगेगा? क्लिप इधर दिखाओ, थोड़ा घूमो। काजल अच्छा है। ये तो वाइट काजल है। शिट। देखो ब्लैंकेट साफ कर दी मम्मा। अब बोलो कबूतर तुम पॉटी मत करना। हाँ मम्मा साफ की है इसको, तुम इस पे आके पॉटी मत करना। मैं आज एक बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी मैं इंस्टाग्राम पे रील एक औरतों के रिगार्डिंग बनाती हूँ तो बहुत सारी लेडीज के एक ही कमेंट्स आते हैं कि मेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरे साथ भी वो ये हो रहा है। तो मेरा बस एक ही कंसर्न है कि सबके हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड हो या कोई भी घर के बेटे हो उनसे ही है, ठीक है? कि अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो घर पे जो औरतें हैं, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, वो अगर आपको ऐसा फील होता है कि भाई वो कुछ नहीं कर रही हो आपके पीछे, है ना, घर पे बस आराम कर रही है, बैठी हुई है और काम ऐसे जादू की तरह से चुटकी बजा के हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर आप बाहर मेहनत कर रहे हो तो वो भी तो पूरे घर को संभाल रही है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, बच्चों को सेफ्टी का ध्यान रख रही है, उसके खाने पीने का ध्यान रख रही है, घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ख्याल रख रही है ना, तो सारे काम को करते हुए हर चीज़ को मैनेज कर रही है, आपकी खुशियों का ख्याल रख रही है। आप ऑफिस से आते हो तो आपको गरम गरम नाश्ता खाना हर एक चीज टाइम टेबल पे मिलता है, तो बस एक है कि बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट टाइम वो है जो आपको देना चाहिए आपकी अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को, कि भाई इतना जो मेरे पीछे ये सब चीज़ों का ख्याल रख रही है उसका ख्याल मैं रखूँ, ना कि आते के साथ मोबाइल पे बिजी हो जाना और कहना ये यार मैं थका हुआ हूँ। इतना तो मेरे लिए बनता है ना कि मुझे इतना टाइम मिलना चाहिए कि मैं फ़ोन चला सकूँ, है ना, मैं सुबह से कुछ भी नहीं कर रहा था, अब मैं इतना सारा काम करके आया हूँ तो कम से कम एक बार फ़ोन तो चलाने के लिए मुझे टाइम मिले ना। तो ये सारी चीज़ें कहने से अच्छा है कि आप दो वक्त के लिए अगर उसके साथ बैठ जाइएगा तो उसे अच्छा लगेगा। मेरी बिल्ली कहाँ है? ये कौन है? ये कौन है बताओ? कितनी सारी औरतें हैं इस दुनिया में जो आप सबकी खुशी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है, अपने जॉब को सेक्रीफाइस कर देती है, बस इसलिए कि मेरा परिवार जहाँ मैं गई हूँ शादी करके वो परिवार खुश रहे, वहाँ के लोग खुश रहे, है ना, मेरा पति खुश रहे। और जब वो इतना सोच रही है और अपने लाइफ को दाव पे लगा के एक फैमिली में जाती है शादी करने के बाद, तो सबसे ज़्यादा फर्ज जो बनता है वो उसके हस्बैंड का बनता है कि उसको खुश रखे, है ना, आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। बस कभी आप पूछ के देखो उससे कि तुम्हें, कभी आप थके हुए आओ फिर भी आप अपनी थकान को साइड रख के कभी उससे पूछो कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए,
ये सवाल जो होते हैं ना, बस छोटे छोटे, कहने को ये बहुत छोटे सवाल है, बट हम औरतों के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा प्यार वाला शब्द होता है। जो कुछ ना भी करे ना पति, तो बस ये सवाल ही इतने प्यारे होते हैं ना कि हमें लगता है कि बस हमें उन्होंने सब कुछ दे दिया। इतना ज़्यादा हम कभी कभी इमोशनल होते हैं इन शब्दों को लेके। हमें बस यही चाहिए होता है कि हमें कोई पूछे कि तुम ठीक तो हो ना, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये सवाल आपको अगर पूछने में अगर कोई हर्ज, मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज होना चाहिए इसमें, कोई टैक्स तो नहीं लगता कि एक पति अगर ये सवाल पूछ रहा हो अपने घर वाले से, अपने पत्नी से पूछ रहा हो, या एक बेटा एक अपने माँ से पूछ रहा हो कि माँ तुम ठीक तो हो ना, सारा दिन काम करती हो, थक गई होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि घर के जो भी जेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी, मतलब किसी भी रूप में हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो या एक फादर के रूप में हो, उनको ये चीज़ें पूछनी चाहिए, है कि नहीं। और ये पूछने से क्या होता है, रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, कि आपका जो एक रिलेशन होता है परिवार में, उस बॉन्ड में एक अलग सा ही मजबूती आ जाती है ना, कि आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। ये सवाल इतने ज़्यादा मजबूती लाते हैं ना रिश्ते में, कि अगर आप जहाँ पूछना स्टार्ट कर देते हो ना अपने घर की औरतों से कि आप कैसे हो, नहीं हो, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं ना, रिश्ते को बहुत मजबूत करता है। तो मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए, घर के जो भी जेंट्स होते हैं उनको सबको करना चाहिए। और देखिएगा, जैसे ही आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं ना, सारी चीज़ें ऐसे चुटकी वाली चीज़ें होती हैं ना, सब सही हो जाती हैं। और थोड़े बहुत तो अनबन तो हर रिश्ते में होते हैं यार, जहाँ लड़ाई झगड़े ना हो, जहाँ रिश्तों में थोड़ी खटास ना हो, वहाँ फिर मिठास कैसे आएगी, है कि नहीं। मनाने के लिए गुस्सा होना भी तो ज़रूरी है। कितना सुहाना मौसम हो गया है, वाओ। और तनिष्का परेशान है कि इसका बॉटल वहां है, बट कोई नहीं बेटू, बाद में ले आएंगे। अभी देख रहे हो कितना तेज बारिश हो रही है, अभी बीमार पड़े थे ना, देखो। तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, शायद थोड़ा सा भी दिख जाए आपको, ये देखो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। और मैं हो चुकी हूँ सारा काम करने के बाद नहा के रेडी, थोड़ा बहुत बाल 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 सही नहीं किया, बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। और नीचे एक दादाजी थे जो 13 दिन पहले एक्सपायर कर गए थे, उनकी आज 13वीं है। तो श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने पूरे सोसाइटी में, हमारे ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं सबको उन्होंने बुलाया है, उनके फैमिली वालों ने, तो वहाँ जाना होगा। तो इसलिए मैंने ये फ्लैट कुर्ती, फ्लैट क्या बोल रही हूँ, फ्लैट जीन्स विथ कुर्ती पहनी हूँ। आउटफिट यही पहन के मैं जाने वाली हूँ उनके यहाँ। और मेरे पास कोई लाइट कलर की कुर्ती नहीं थी, तो मैंने कहा चलो वाई नॉट यही, ये भी कुछ खराब नहीं है, सही है। तो चलते हैं और बाल को भी सही करते हैं और रेडी होते हैं। तनिष्का को देख लो, मेरी गुनगुन को देख लो, जैसे ही मैं कबर्ड ओपन करती हूँ, बस इसको कुछ ना कुछ मेरा सामान लेना होता है और फिर वो उसके साथ बिजी हो जाती है। ये देखो मैंने मंगलसूत्र ये अभी पहने हैं, गर्मी की वजह से भाई साहब, गर्मी की वजह से इतना बुरा हाल हो जाता है ना, कि पूरा मेरे नेक के जस्ट दोनों साइड में से पूरे दाने दाने से हो गए थे। और इतनी इचिंग होती थी जब पसीने चलते थे ना काम करने टाइम, इतनी इचिंग होती थी, मन करता था निकाल के फेंक दूँ। तो मैंने बहुत दिन से इसको खोल के रखी थी, तो मैंने अभी पहन लिया क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे। और इसी का ये सेट है इयररिंग, तो चलते हैं बाल सही करते हैं। गर्मी का सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल है कि आप, मैं तो बहुत कम ही कंघी यूज करती हूँ अपने बालों में, मैं तो ऐसे रोल रोल रोल, वैसे ऐसे भी कर लेती हूँ, बट ऐसे में फिर मेरे बाल बहुत घुंघराले हैं, तो कुछ ज्यादा ही वो घुंघराले वाले दिखने लग जाते हैं। थोड़े से ये तो निकालने जरूरी होते हैं ना, नहीं तो चिपकू टाइप के लगते हैं, क्योंकि मैं शैम्पू नहीं की हूँ तो मेरे तो और ही चिपकू चिपकू से लग रहे हैं। ब्रेड के बीच में किसने चिप्स लगा के खाया है, जल्दी निकलो, भागो, मैं यार।
हाय गर्मी, कितनी गर्मी है देख लो। बारिश होने के बाद तो और ही बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। मैं बना रही हूँ छोले भटूरे और यहाँ ऊपर में प्याज भून रहे हैं। लुक विच है स्ट्रेंज। पतिदेव को नहीं पता है कि मैं छोले भटूरे बना रही हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। हाय बीटू, क्या कुछ बोलो? कुछ क्या कुछ? ये तो तुम मजाक करती, मैं बोल रही हूँ कुछ बोलो तो कह रही है कुछ कुछ नहीं बोलना है कुछ। पेस्ट में मैंने अभी दिया था टमाटर, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा गरम मसाला का मैंने पेस्ट बनाया मिक्सी में करके और इसको मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ बस सीटी लगेगा। यहाँ गर्मी में मर रही हूँ और ये जो पापा बेटी हैं, ये और ये शैतान, दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं, है ना? 2, 3, 4, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं नहीं है, इधर चली गई मेरी बेटू। क्या खाएगी बेटू ये? और क्या है? छोले भटूरे। वाह, खाओगी? नहीं, नहीं खा रहा तो मत खाओ। बहुत टेस्टी। देखो बताओ, आप बताओ, आपको पता था भटूरे के बारे में? बिल्कुल भी पता नहीं चला था आज। क्या आज तो बिल्कुल तुम पता चलने ही नहीं दिया हमको। जिसको खाना कुछ नहीं है लेकिन शैतानी उससे भी कहीं ज्यादा करना है, क्योंकि इसका खाना ऑलरेडी डन हो चुका है ना बिटू? क्या खाएगी? नींबू। इसको बचा हुआ, हाँ बचा हुआ जो नींबू बचा करे ना उसको दे दिया कीजिए। आप इसमें कितने सारे वो निकले हैं बीज? सेक्सी नींबू था। सेक्सी नींबू था? सेक्सी नींबू कैसा होता है? हैं, सेक्सी नींबू कैसा होता है? कितना सारा बीज बच्चा निकला है इसका? तो बच्चा निकल, ओफो, उसके हाथ में दे दीजिए ना, चोट लग जाएगा बेटा। अरे दो नाक में घुसा रहे हो। देना है या नहीं देना है? मतलब गुड गर्ल क्लैप क्लैप। फाइनली सारे मेरे काम खत्म हो गए, जैसे कि ढेर सारे बर्तन साफ करके, सिंक साफ करके, पूरा किचन, गैस चूल्हा सब कुछ साफ करने के बाद, बच्चे का दूध वूध सब बॉईल करने के बाद अब जाके फ्री हुए हैं। बताओ कितना काम होता है। अगर कोई ये कहे कि यार घर में ही तो रहते हो, क्या तुम्हारे पास काम है? आप लोग जो भी काम करते हो सल्यूट, ठीक है, बहुत सब काम में माथा पच्ची होता है, बट आप 9 घंटे 10 घंटे करने के बाद कम से कम रिलैक्स मोड में घर आते हो कि चलो अब मेरी वाइफ है, अब वो देख लेगी, वो काम करेगी या फिर मुझे नाश्ता बना के देगी या खाना बना के देगी। बट हमारा क्या, हमें बस दो प्यार की बोली चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, और किसी को भी, मैं खुद की बात नहीं कर रही, चाहे कोई भी हाउस वाइफ हो, मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, कोई भी अगर किसी के लिए इतना कर रहे हो तो बस उन्हें क्या चाहिए होता है कि आप घर आओ तो दो शब्द बात करो, ना कि मोबाइल में बिजी रहो, और थोड़ा टाइम दो, टाइम निकालो उनके लिए, ना कि ये कहो कि मैं थका हुआ आया हूँ, क्योंकि थके हुए तो सब रहते हैं। मेरी शक्ल देख के नहीं लग रही है कि मैं थकी हुई हूँ? अभी बज रहे हैं रात के 11:15 बज रहे हैं और अभी भी मैं कम्प्लीटली, मेरा हाथ भी दुख रहा है, ओवर कम्प्लीटली अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि गुनगुन अभी तक सोई नहीं है। अभी मैं उसको जा रही हूँ, अभी बॉटल में मैं उसका बॉइल कर लिया, अब मैं रात में वो बॉटल में ही दूध पीती है, तो उसको अभी दूध दूंगी, फिर उसको कहानियाँ सुनाऊंगी, कुछ कुछ भजन वजन सुनती है, तब जाके वो सोती है, और जब तक मैं बगल में नहीं जाऊंगी तब तक तो वो सो नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, पापा कितना भी कोशिश कर ले, उसको मम्मा चाहिए बगल में, तो मतलब अब मैं जाऊंगी तब जाके वो सोएगी। 11:00 बज के
10 मिनट टाइम देख रहे हो। तो चलो फाइनली किचन से छुट्टी लेते हैं और करती हूँ आप सबको गुड नाइट। अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी गलतियाँ दिखे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अभी नया नया स्टार्ट की हूँ, मुझे खुद मैं सीख रही हूँ, खुद से ही सीख रही हूँ सारी चीज़ें। मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर मेरे कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं है जो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताए या सिखाए, तो मैं खुद सीख रही हूँ, खुद ही अपलोड कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, बना रही हूँ, जैसे भी हो रहा है सब कुछ मैनेज कर रही हूँ घर के काम के साथ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।